हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल असली ठाकुर। और मैंने जितनी भी गाड़ियों की, मैंने 5 गाड़ियों की मॉडिफिकेशंस की वीडियो डाली, और जो कॉमन क्वेश्चन मुझे उसमें लगा, लोग यही पूछते हैं कि जब सीट कवर्स 2000, 3000, 4000 के भी अवेलेबल होते हैं नॉर्मल वाले, तो हम बकेट सीट कवर में क्यों जाएं जो 5000, 6000, 7000 के आते हैं। तो सबसे मेन रीज़न, तो मेरे को जो सबसे वैलिड रीज़न लगता है वो ये है कि आपकी कार का जो इंटीरियर का जितनी भी पोर्शन होता है उसका 50% से ज़्यादा सीट कवर ही कवर करती है। अगर आपकी सीट कवर अच्छी नहीं लग रही तो आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करा लें, वो लुक नहीं आता। और आप सिर्फ अगर सीट कवर ही मॉडिफाई करा लें, अच्छे से स्टिच करा लें, तो इंटीरियर का लुक काफ़ी इन्हांस हो जाता है। पहला मेन रीज़न ये होता है। सेकंड, जब आप नॉर्मल सीट कवर्स लगाते हैं वो आपको फिटिंग नहीं आती जो बकेट सीट कवर्स की आती है, और ये लॉन्ग लास्टिंग रहती है। और अगर आप बकेट में भी बात करें, मैं यही प्रेफर करता हूँ कि आप लेदर पे जाएं इंस्टेड ऑफ फैब्रिक, बिकॉज फैब्रिक गंदा भी हो जाता है और वो फिनिशिंग नहीं आ पाती और लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होता। और जो आजकल लेदर के, नापा लेदर के चल रहे हैं, वो वाटरप्रूफ भी होते हैं, बाय मिस्टेक कुछ गिर जाता है पानी में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये भी इनके एक बेनिफिट है। मैं आपको दिखाऊंगा पूरी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, क्या होता है, पूरा आपको प्रोसेस समझाता हूँ, कितने तक के आपको पड़ जाते हैं, क्या क्या फैब्रिक अवेलेबल होते हैं, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। मेरी खुद की गाड़ी में 2.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं गाड़ी लिए हुए, मैंने भी बकेट सीट कवर्स लगाए थे, अभी भी ऐसा फिनिशिंग है जैसा न्यू हो। मैं आपको अपनी सीट भी दिखाता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ वेन्यू में आज इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो कैसा लुक आएगा। ये 2.5 साल के बाद कुछ मेरे कार के बकेट सीट कवर हैं, आप देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, और फॉर्म भी ऐसे का ऐसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही कम्फर्टेबल है। पीछे भी आप देख सकते हो कोई इशू अभी तक नहीं आया मेरे को, सब कम्फर्टेबल है और लुक अभी भी ऐसा है जैसे नए की तरह है। स्टिचिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक। तो ये फायदा होता है बकेट का। और मैं अब आपको नॉर्मल सीट कवर्स दिखाता हूँ जिनका 1 साल के बाद क्या हालत है उन सीट कवर्स की, आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। ये नॉर्मल सीट कवर्स हैं। अब आप देखोगे इसमें, मैं आपको कुशनिंग दिखाता हूँ, ऐसी कुशनिंग भी नहीं है, बहुत हार्ड हैं ये, और इनका लुक भी काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है, और कुशनिंग तो है ही नहीं। मैं आगे वाले दिखाता हूँ अब आपको। ये आगे वालों भी देखोगे तो कोई बकेट फील नहीं आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं, और ये लूज़ होते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये आप देख सकते हो कपड़ा खिंच जाता है ऐसे, इधर उधर से सरक जाएगा तो वो फील नहीं देता, लुक भी इन्हेंस नहीं होता। ये देखो आप, निकल रहा है ईजली। अब स्टार्ट करते हैं वेन्यू की इंस्टॉलेशन। पहले वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स बताता हूँ, एंड में मैं आपको प्राइस बताऊंगा और शेयर करूंगा कि आप खुद ही फिर जस्टिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा कि कौन से सीट कवर्स बेटर हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये फैक्ट्री से ऐसे पैक्ड होके आते हैं सीट कवर्स। इसमें हम जब स्टिचिंग करवाते हैं तो प्रॉपर 25 mm की फॉर्म लगाते हैं, जिससे कंफर्ट लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। आप देख सकते हो कितने कंफर्टेबल हो जाता है। जो नॉर्मल आप सीट कवर्स लेते हो उसमें हार्डली 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 mm की फॉर्म लगवाते हैं, तो इसमें हम 25 mm की फॉर्म लगाते हैं, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। और अगर आप लेदर की बात करो, इसमें नापा लेदर का यूज़ होता है, और ये वाटरप्रूफ भी है, तो आप गीले कपड़े से आराम से साफ भी कर सकते हैं। इसकी स्टिचिंग देख सकते हैं आप लोग कितनी प्रॉपर हुई है। मैं आपको एक बार फैक्ट्री दिखाता हूँ जहाँ पे हम स्टिचिंग करवाते हैं, ये जहाँ से आते हैं सीट कवर, ये स्टिचिंग हो रही है। ये जुकी की मशीन बोलते हैं इसे, ये प्रॉपर सीट कवर बनते हैं इसी में। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से सिलाई हो रही है, और ये काफ़ी पक्की सिलाई होती है, और ये रोज़ कम से कम पर पर्सन ये 15 से 20 सीट कवर बना देते हैं, तो इनको काफ़ी फेयर आइडिया होता है। आप इनकी स्पीड ही देख सकते हैं। इनको बहुत एक्सपीरियंस होता है कवर बनाने का, तो इनकी स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये डेली कम से कम इस फैक्ट्री में कम से कम 100 से ऊपर सीट कवर्स बनते हैं ऑन अ डेली बेसिस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेदर अवेलेबल है, और ये पैटर्न्स होते हैं, हर कार के पैटर्न अवेलेबल होते हैं, जिससे बनाना इजी हो जाता है। एक बार पैटर्न बना के उसी पैटर्न के डिज़ाइन पे बनते हैं, क्योंकि सीट सेम ही होती हैं।
ये लेदर की कटिंग हो रही है। और अब वापस चलते हैं अपनी वेन्यू की तरफ। आज हम इसमें सीट कवर इंस्टॉल करेंगे। ये वेन्यू है होंडाई की। ये अभी एग्जिस्टिंग कुछ सीट है, फैब्रिक है ये, और इसमें पीछे ये पॉकेट भी नहीं है, और यहाँ भी पॉकेट का ऑप्शन हम अवेलेबल करवाएंगे। ये कुछ अभी लुक आ रहा है। ये सीट्स हमने अनइंस्टॉल कर ली है और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है सीट कवर की। फिनिशिंग देने के लिए जो थोड़ा थोड़ा कपड़ा बच जाता है उसे काट देते हैं ताकि इसकी फिनिशिंग प्रॉपर आए। काफ़ी टाइम लगता है इसमें, तभी लुक अच्छा आता है। ये दूसरी सीट्स भी हैं जो इसके वेन्यू के बाद होगी। ये इसमें आयरन क्लिपर्स लगाते हैं ताकि प्रॉपर बकेट का फील आए और बाद में रिंकल्स भी ना आए। ये सीट रेडी हो गई है एक, और पीछे की एक रह गई है। ये आप फिटिंग देख सकते हो, बकेट कितनी अच्छी आई है। ये कुछ पीछे की सीट्स हैं। ये एक अभी रह गई है, इसमें काम चल रहा है। ये पीछे पॉकेट भी दी है, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो पॉकेट देते हैं, वरना नहीं देते हैं। आई होप आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि सीट कवर कैसे इंस्टॉल होते हैं और क्या प्रोसेस होता है। यूजुअली टेक्स 3 to 4 hours अगर प्रॉपर इंस्टॉलेशन करें। अगर आप करोल बाग या कहीं जाएंगे आपको 1-1.5 घंटे में भी इंस्टॉलेशन कर देंगे, बट बाद में वो रिंकल्स हो जाते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि जब आप यूज़ करोगे ये रिंकल्स चले जाएंगे जो नहीं जाते हैं, और बाद में वो आपका लेदर भी ख़राब कर देते हैं। तो जब कोई चीज़ काम करवाना ही है, क्योंकि हम एक बार सीट कवर डलवाते हैं तो मुझे नहीं लगता अगले 7-8 साल तक हम सीट कवर चेंज कराते हैं, तो जब एक बार लगवाना है तो फुर्सत से आराम से लगवाएं। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं करोल बाग ना जाना और यहां से इंस्टॉल करवाना। मैंने अपनी कार के सीट कवर भी आप लोगों को दिखाए, ये भी मैंने यहीं से इंस्टॉल करवाए थे। अगर आप प्राइसिंग की बात करें तो ये सीट कवर टोटली डिपेंड्स ऑन लेदर यू विल यूज़। ये 5000 से स्टार्ट हो जाता है, 6000, 7000, 8000 एंड सो ऑन, आप जैसा लगवाएं। बट अगर आपको अच्छा लेदर भी चाहिए दैट विल वर्क फॉर यू फॉर नेक्स्ट 6-7 years, देन यू कैन गो फॉर 6000, 7000। इस रेंज में आपको अच्छे सीट कवर्स मिल जाते हैं। और कोई भी क्वेश्चन है आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे को ये भी बताएं मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, आपको किस टॉपिक पे हेल्प चाहिए, सो आई कैन हेल्प यू आउट बाय मेकिंग वीडियो ऑन दैट टॉपिक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।